हे गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। जैसे कि आप लोगों में से बहुत लोगों को अभी तक पता भी चल गया होगा कि कल रात CHSL 2018 का फाइनल रिजल्ट निकल गया है। थोड़ा ग्रिम है सिचुएशन, थोड़ा बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया हुआ है। हम लोग जैसे मैं इस चैनल में जैसे प्रेडिक्ट किया था, करीबन उसके आसपास ही रहना चाहिए था, लेकिन लास्ट टाइम में वैकेंसीज कम हो जाने की वजह से कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बट फिर भी कंसिडरिंग दैट इन माइंड, PA SA का कट ऑफ कम हुआ है। हम लोगों का रेंज का ही करीबन हुआ है, 212 के करीब गया हुआ है। मैं वही यहाँ पे देखने वाला हूँ। जो हाईएस्ट कट ऑफ गया हुआ है वो है L24 में हाईएस्ट कट ऑफ गया हुआ है 263.9। UR के लिए हाईएस्ट कट ऑफ गया है 263.9, बहुत ही ज़्यादा। और लोएस्ट कट ऑफ गया हुआ है जो मतलब P41 जो है PASA का, उसका है 212.4। तो हमने प्रेडिक्ट किया था 200 से 210 करीबन, उसके करीबन ही है। लेकिन कट ऑफ, जनरल कट ऑफ जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है जिसका 212 से कम हुआ है, बहुत ज़्यादा है, जिसका 203, 204, 206, जो लोगों को कोई भी जॉब्स नहीं मिला है, उन लोगों के लिए मैं ये बात ही बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा डिप्रेस मत होना। पता है 3 साल मेहनत के बाद, ये 3 साल ये प्रोसेस लिया था CHSL 2018, अभी 3 साल के बाद अगर ऐसा होता है तो दिमाग ठीक नहीं रहता है, मुझे भी पता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, SSC का जितना दिन जा रहा है उतना दिन ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है। एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट इफ़ आई वांट टू से कि CHSL 2019 का भी फाइनल रिजल्ट इन लोगों ने निकालने वाला है, उसके लिए फाइनल कट ऑफ जो टायर 2 का कट ऑफ है वो निकाला है। टायर 1 और टायर 2 कट ऑफ मिला के, कट ऑफ UR का है 222.77। अभी 2018 में जिसको 222 मिला है उसको नौकरी मिल गया है, लेकिन 2019 में 222.77 जिसको मिलने वाला है वो उसको जस्ट टायर 1 और टायर 2 क्लियर हुआ है। अभी तो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट का बात ही नहीं हो रहा है, अभी तो LDC JSO पोस्ट के लिए बात ही नहीं हो रहा है। तो आप सोच ही सकते हो कि LDC JSO PASA, एटलीस्ट PASA का 212 के करीबन गया है, दिस इज़ अ गुड थिंग। अदरवाइज अगर वो भी 220 चला जाता तो मुश्किल हो जाता। बट एनीवेज, जिन लोगों को मिल गया है 212 के ऊपर है, जिन लोग जनरल हो, UR हो, जिसका जिसका कैटेगरी है, जैसे PASA में अगर लोएस्ट कैटेगरी पकड़ता हूँ तो PASA के लिए 127, 179, 126, 172, 129, 209, 167, 106, 212, ऐसे करीबन मार्क्स हुआ है। मतलब हर एक कैटेगरीज के लिए ही 200 से कम है, करीबन EWS और UR के लिए 200 से ज़्यादा है, और OBC के लिए भी EWS, OBC इन लोगों के लिए 200 के करीब है, और बाकी सबसे सबका ही 200 के कम है। तो काइंड ऑफ माई कट ऑफ वॉज गोइंग थ्रू, माई कट ऑफ हैज़ बीन लिटिल बिट ऑफ ट्रू। हाँ, थोड़ा सा भी ज़्यादा चल गया है, क्योंकि SSC को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। अब CHSL 2019 में भी 222 का मिनिमम कट ऑफ दिया हुआ है। अब आप लोग सोच लो कि आप में से कोई, अगर तुम में से कोई CGL 2019 दिया हुआ है, या वेटिंग फॉर रिजल्ट्स, अब CGL में कितना कंपटीशन जाने वाला है अभी आप लोग सोच लो। क्योंकि अगर CHSL में ही इतना ज़्यादा मार्क्स जा रहा है इन द लास्ट 3-4 ईयर्स, 2018 3 साल लिया था, 2019 अभी चल रहा है, पता नहीं CGL 2019 कितना टाइम लेगा। बट एनीवेज, थोड़ा सा प्रेडिक्ट तो करना पड़ेगा अभी कि कट ऑफ्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। बट रिमेनिंग ऑल ऑफ दीज फैक्ट्स, जिन लोगों को 212 के ऊपर मिला है, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, यू हैव बीन सिलेक्टेड प्रोविशनली। प्रोविशनल का मतलब फाइनल नहीं होता है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है उसको मैं बता देना चाहता हूँ। प्रोविशनल वंस गेट्स कन्फर्म्ड आफ्टर 2 ईयर्स इन सर्विस ऑफ प्रोबेशन, अंटिल 2 ईयर्स आपका अपॉइंटमेंट प्रोविशनली रहता है, इफ नॉट कोई कोर्ट केस वोट केस चलता है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, देखो थोड़ा सा वेट कर लो, कमीशन की तरफ से कोई चिट्ठी विट्ठी आएगा। और जिन लोगों को DO मिला है CAG में, DO का कट ऑफ कितना गया हुआ है इस साल, DO का कट ऑफ गया हुआ है 241, तो फाइनल कट ऑफ DO का है 241, PASA का है 212 पॉइंट समथिंग, और सबसे ज़्यादा है 263, जिसको 241 से ज़्यादा मिला है। एंड दोज हुआ कमिंग इन वेस्ट बंगाल CAG, ज़रूर यहाँ पे नीचे जाके कमेंट करना, बताना कि तुम्हारा मार्क्स कितना है, कैटेगरी क्या है, और कितने दिन में तुम लोगों को, मतलब कितना एक्साइटेड हो तुम ज्वाइनिंग के लिए। और जिन लोगों को नहीं मिला है इस साल, डोंट बी डिप्रेस्ड, होता है, ट्राई हार्डर नेक्स्ट ईयर, व्हाट कैन आई से मोर। अगर सब कुछ देके आप करते हो तो हो सकता है नेक्स्ट साल आपको मिल जाएगा। तो सो डोंट वरी, डोंट गेट डिप्रेस्ड और समथिंग एल्स,
ट्राई हार्डर आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, अंटिल देन टाटा गुड बाय ऑल द बेस्ट। सोच रहा हूँ एक पूरा एक डिटेल वीडियो लेके आया हूँ इसके रिगार्डिंग, बट देखते हैं क्या होता है। अंटिल देन टाटा गुड बाय ऑल द बेस्ट, कंग्रेचुलेशंस, एंड फॉर दोज हु डिडंट क्लियर, डोंट बी डिप्रेस्ड, आई एम विथ यू गाइज, टाटा।